क्या आप जानते हैं जब आप कभी किसी अदर कंट्री गल्फ कंट्रीज में जाते हैं तो अक्सर ये बातें सुनते हैं कि वहां पे 7 स्टार 5 स्टार होटल है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 3 स्टार पे ग्रेटिंग है 7 स्टार पे ग्रेटिंग है। इसका मतलब ये होता है कि वहां पे 7 महाद्वीप 3 महाद्वीप का वहां पे खाना मिल जाता है। तो वहां का जो इसलिए खाना जो है बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, तो आज से जो है हर संडे को एक वेब सीरीज स्टार्ट होगी। आज से जो सीरीज कर मैंने वेब सीरीज स्टार्ट किया है, हर संडे को अपलोड की जाएगी वो वीडियो। ठीक है, तो वो जो होगा वर्ल्ड मैप से रिलेटेड होगा, क्योंकि हम जो इस मॉडर्न दौर में हम रह रहे हैं तो एक नॉर्मल व्यक्ति को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए वर्ल्ड मैप के बारे में कि कितने हमारे महाद्वीप है, क्या है, कहाँ पे कौन महाद्वीप बड़ा है, कौन महाद्वीप छोटा है, ये सब की जानकारी होनी चाहिए, वो भी शॉर्ट वीडियोज में, नहीं कि मैं लेंथी वीडियोज बनाऊंगा। तो आप पूरी वीडियो देखें। तो चलिए आज सबसे पहले जानते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, छोटा महाद्वीप कौन है, इसके बारे में। तो आइए बताते हैं आपको। सबसे पहले जो हमारा बड़ा महाद्वीप है एशिया, उसके बाद जो है हमारा अफ्रीका, उसके बाद जो है हमारा तीसरा उत्तर अमेरिका, चौथा जो है हमारा दक्षिण अमेरिका, पांचवा जो है अंटार्कटिका, छठा जो है हमारा यूरोप और सबसे छोटा जो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये 7 महाद्वीप है। इसके बारे में एक नॉर्मल व्यक्ति को भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम इस वर्ल्ड में रह रहे हैं तो हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो ये अच्छी बात भी है। तो सभी को इस चीज का नॉलेज होना चाहिए। अब जो है हर एक वीडियोस को आप संडे बाय संडे हम डालते रहेंगे इसी तरह शॉर्टली से। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि हमारे 7 महाद्वीप कौन बड़े होते हैं और कौन छोटे होते हैं इसके बारे में।